फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो गणपति जी का आज का मतलब आखिरी व्लॉग है ये, बिकॉज़ अब वक्त आ चुका है गणपति जी को छोड़कर आने का, विसर्जन का। तो आप देखते रहिए मेरे साथ, गणपति जी को विसर्जित कर रहे हैं कैप्टन साहब। और अब ये कैप्टन साहब जा रहे हैं हमारे गणपति पप्पा जी को विदा करने के लिए, विसर्जित करने के लिए। हमने 3 डेज़ के लिए रखा था गणपति जी को, होते ना मतलब और डेज़ में ही रखना होता है, 1 डे 3 डेज़ 5 डेज़। तो हमने 3 डेज़ में कर रहे हैं हम इनकी विदाई। तो कैप्टन साहब जा चुके हैं, पानी के बीचों बीच जा रहे हैं वो गणपति जी को विसर्जित करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि हम वाटर को पोल्यूटेड कर रहे हैं, बिकॉज़ ये मिट्टी का ही बने हुए हैं। ये हमने मतलब ऐसे यूँ एल्यूमिनियम वगैरह इन चीज़ों के नहीं लिए थे, हमने मिट्टी का बना हुआ लिया था। और हम हमेशा मिट्टी के ही बने हुए लेते हैं, तो ये तो मेल्ट हो जानी है वाटर में। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है ये इनको पूरा डिप करके लेके जाता है गणपति जी को विसर्जित, अच्छे से करके जाते हैं पानी में। तो वो कर रहा है यहाँ पे जो भी अपने गणपति जी को विसर्जित करने के लिए आए हुए हैं। तो हो कर दी हमने गणपति जी को टाटा बाय बाय। तो अब हम वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं गणपति पापा जी को वापस छोड़ के वहाँ पर उनकी जगह पर। और अब हम वापस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्राउड है, बहुत लोग आए हुए हैं गणपति विसर्जन में। बहुत ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़ारा है गणपति विसर्जन का। ये देखिए कितने सारे लोग हैं, इनमें अपने व्हीकल्स में लेकर आए हुए हैं गाने बजाते हुए। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल एकदम सुहावना ठंडा मौसम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सिकंदर को भूख लग रही है, तो सिकंदर के लिए मैं आज पूरियां बनाने वाली हूँ। आलू की जो सब्ज़ी है वो मम्मी ने बना रखी है, तो मैं बस पूरियां मुझे उसके लिए बनानी है, 2 पूरियां। और मैंने कढ़ाई लगा दी है गर्म होने के लिए, तब तक मैंने कि कढ़ाई गरम होती है, तेल गरम होता है, घी गरम होता है, मैंने उसके थोड़ा बटर और दही डाल दी है। और मैं पूरियां सेकने वाली हूँ। और जो पूरियां हैं ये मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटे की, जिसमें गेहूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें है चना, सोयाबीन, जो ज्वार, मोठ एंड रागी, सिर्फ इस चीज़ का आटा है। और इस आटे की ही मैं इसके लिए पूरियां बना रही हूँ, ये देखिए। और मैं चेक कर रही हूँ एक बार कि घी गरम हो गया है क्या अच्छे से, और मैंने फुल कर दिया अभी ताकि जल्दी से गरम हो जाए घी। और बस मैं 2 पूरियां बनाऊंगी सिकंदर के लिए, 2 ही खानी है उसको और किसी को खानी नहीं है। तो अभी घी गरम हो चुका है, मैं इसको डाल देती हूँ कढ़ाई में और ये फ्राई हो रही हैं।
और जब तक ये फ्राई होती हैं मैं इसकी प्लेट में इतना वेजिटेबल डाल देती हूँ, लस्सी डाल देती हूँ। तो लस्सी का गिलास, दही, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल के साथ बटर मैंने इसके प्लेट लगा दी है, अभी गर्म होगी। तो मैं अभी एकदम से, क्योंकि जो प्लेट है ये प्लास्टिक की है, इसमें नहीं रखने वाली हूँ, तो ये अभी पूरियाँ सिक रही हैं। सिकंदर बार बार बोल रहा है कि अभी पूरियाँ रेडी नहीं हुई क्या। सिकंदर की दोनों पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं, तो मैं इसको खिलाती हूँ। इसकी प्लेट में मैं लेके जाती हूँ, उसको भूख लगी हुई है। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, बाय बाय।